पतरातू प्रखंड के भुरकुंडा पटेल नगर करमाली टोला निवासी सुजल करमाली उम्र 25 वर्ष शनिवार दोपहर से भी लापता बताया जा रहा है, जिसकी सूचना भुरकुंडा थाना प्रभारी को दे दी गई थी। मिसिंग कंप्लेन भी लिखा दिया गया था। वही दोस्तों द्वारा बोला गया कि शाम में दोस्तों से बात हुआ था, जिस पर उसने तेतरिया खदान में होने की बात कही। काफ़ी देर रात तक घर नहीं आने पर परिजनों, आसपास के लोगों व भुरकुंडा पुलिस और भदानी नगर पुलिस द्वारा खोजबीन करने के बाद नहीं मिलने पर मोबाइल ट्रैक करने का उसका मोबाइल, हेलमेट, चप्पल भदानी नगर ओपी क्षेत्र के तेतरिया पोखर खदान में मिला। वहीं रविवार सुबह फिर लोगों द्वारा खोजबीन किया गया तो पोखरिया खदान में सुजल करमाली का शव मिला, जिसके बाद भदानी नगर पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा भारी बारिश में काफ़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर रामगढ़ हॉस्पिटल भेज दिया गया। वहीं लोगों द्वारा बंद जुबान में कहा जा रहा है कि नशे की हालत में पोखरिया में डूब जाने से हुई है उसकी मौत, पर अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस कारण से मौत हुई है। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। पत्रातों से जयकिशन पाठक की रिपोर्ट। कल रात को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का मोटरसाइकिल, मोबाइल और तेतरिया खदान कोल कंपनी के जो एबेंडन है उस खदान के पास है। हम लोग आए और देखे, लेकिन डेड बॉडी रात को नहीं पता चल सका, अंधेरा रात था। आज सुबह हम लोग काफ़ी प्रयास, यहाँ के लोगों के द्वारा काफ़ी प्रयास के बाद उस खदान से, उस तालाब से डेड बॉडी को निकाला गया। मृतक का नाम सूरज करमाली, पिताजी का नाम जगदेव करमाली, एक पटेल नगर भुरकुंडा थाना के रहने वाले हैं। और इस डेड बॉडी को निकाल कर पंचनामा तैयार कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।